आज के वीडियो हम थ्री टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियन फुटबॉल न्यूज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो फोर टीम्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं सैफ चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल की है। एंड हमारा सेकंड टॉपिक होगा इंडिया टीम रिलेटेड कि कौन से वो इंडियन टीम के प्लेयर है जो मिस करने वाले हैं सैफ चैंपियनशिप 2023 का सेमीफाइनल अगेंस्ट लेबनान। एंड हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक होगा कि जेसन कमिंग्स फाइनली मोहन बगान सुपर जायंट्स तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी डील कितने मनी अकाउंट में हुई थी। तो शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक को लेकर। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक ही कौन से वो फोर टीम्स है जो क्वालिफाई हुए सैफ चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल की है। तो फर्स्ट सेमीफाइनल होगा, ग्रुप ए के विनर थी कुवैत एंड ग्रुप बी के रनर अप थे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वर्सेस कुवैत का फर्स्ट सेमीफाइनल होगा एंड सेकंड सेमीफाइनल होगा ग्रुप बी के जो विनर थे लेबनान एंड ग्रुप ए के जो रनर अप टीम थे टीम इंडिया। तो इन दोनों के बीच सेकेंड सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो ये वो फोर टीम्स है जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर सैफ चैंपियनशिप 2023। मूविंग टू और नेक्स्ट टॉपिक, तो वो आ रहा है फ्रॉम इंडिया टीम। तो आप सबको पता ही होगा कि जो हमारे इगोर सिमाक्स थे उन्होंने कुवैत के अगेंस्ट भी रेड कार्ड कंसीड किया था। तो जो सेमीफाइनल है वो कुवैत के अगेंस्ट तो नहीं होंगे, हमारे जो असिस्टेंट कोच है गावले जी वो सेमीफाइनल में प्रेजेंट रहेंगे हमारे इंडियन टीम के साथ ऑन टच लाइन। लेकिन अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो संदेश जिंगन भी उस मैच में प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि संदेश जिंगन ने नेपाल के अगेंस्ट भी कार्ड कंसीड किया था एंड उन्होंने उसके नेक्स्ट मैच जो हमारा हुआ था कुवैत के अगेंस्ट उसमें भी येलो कार्ड कंसीड किया था। तो उन्होंने बैक टू बैक मैचेस में येलो कार्ड कंसीड करने की वजह से उन्हें भी लेबनान के अगेंस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये फाइनल मैच होता तो उनके सारे कार्ड कैंसिल हो जाते एंड उन्हें फाइनल खोलने का मौका मिलता, लेकिन ये सेमीफाइनल है तो सेमीफाइनल में ऐसा नहीं होता। संदेश झिंगन को ये मैच मिस करना होगा एंड संदेश झिंगन के अब्सेंस में हो सकता है कि इगोर सिमाक्स लाइनअप में मेहताब सिंह को जगह दे और अदरवाइज कोई और डिफेंस भी वो ट्राई कर सकते हैं। प्रीतम कोटाल भी एक अच्छे सेंटर बैक है, हमने मोहन बगान सुपर जायंट्स में उन्हें काफी बार सेंटर बैक की पोजीशन में देखा है। तो हो सकता है कि मेहताब सिंह और प्रीतम कोटाल संदेश झिंगन की जगह ले सकते हैं। मूविंग टुवर्ड और लास्ट एंड थर्ड टॉपिक, तो वो आ रहा है फ्रॉम मोहन बगान सुपर जायंट्स। तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जेसन कमिंग के साथ ये 9.6 करोड़ की डील। अगर हम बात करते हैं जेसन कमिंग्स की तो काफी लंबे समय से ये बात चल रही थी कि जेसन कमिंग्स आने वाले मोहन बगान सुपर जायंट्स में, तो फाइनली वो कल अनाउंस हो चुका है। एंड अगर हम मनी डील की बात करते हैं 9.6 करोड़ के साथ मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जेसन कमिंग के साथ डील की थी, हो सकता है कि 9.6 करोड़ इस साल की सबसे बिग डील हो आईएसएल की, लेकिन ऑल टाइम बिग डील नहीं होगी क्योंकि इससे भी महंगे प्लेयर रह चुके हैं आईएसएल में। आपके क्या ओपिनियन है इस न्यूज को लेकर ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए एंड अगर आप वीडियो के इस एंड तक आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते हैं एंड फॉलो करते हैं इंडियन फुटबॉल को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।